हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ओनली कॉमर्स पर। आज हम डिस्कस करेंगे एचआरएम का मोस्ट इम्पोर्टेंट और डिफ़िकल्ट टॉपिक। एचआरएम की ये क्लासेज इम्पोर्टेंट रहेगी एनटीए यूजीसी नेट के स्टूडेंट के लिए, चाहे आपका कोड 8 हो, 17 या 55, ये क्लासेज आपके लिए इक्वली इम्पोर्टेंट रहेगी। और जैसा कि आपको पता है, एचआरएम की क्लासेज को हमने 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। स्पेसिफिक टॉपिक सीरीज में टोटल 12 टॉपिक हमें डिस्कस करने हैं, जिसमें से 3 टॉपिक्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम हमारा टॉपिक नंबर 4 इंडस्ट्रियल रिलेशन को डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो में हम न केवल इंडस्ट्रियल रिलेशन की अप्रोचेज को डिस्कस करेंगे, बल्कि इंडस्ट्रियल रिलेशन से रिलेटेड जनरल कॉन्सेप्ट्स भी हम डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में मैंने टोटल 15 प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज भी इंक्लूड किए हैं, जिनकी मैंने कल ऑनलाइन क्विज भी ऑर्गेनाइज की थी। यदि आपने क्विज में पार्टिसिपेट किया था तो आपको ये चैप्टर और भी ज़्यादा इफेक्टिव लगेगा। ये क्वेश्चंस मैंने लिए हैं कोड नंबर 8 से और कोड नंबर 17 से, और एक क्वेश्चन मैंने खुद ने प्रिपेयर किया था। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इंडस्ट्रियल रिलेशन के इंट्रोडक्शन के बारे में जानते हैं। इतना हमें पता है कि किसी भी इंडस्ट्री की सक्सेस और पीस डिपेंड करती है अच्छे इंडस्ट्रियल रिलेशन पर। तो अच्छे इंडस्ट्रियल रिलेशन कैसे मेंटेन किए जाए, इसके बारे में डिफरेंट डिफरेंट ऑथर ने डिफरेंट डिफरेंट अप्रोच दी और उनकी डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियन है। इंडस्ट्रियल रिलेशन के लिए मेन एक्टर्स कौन कौन से होते हैं? मैनेजमेंट, वर्कर्स, ट्रेड यूनियन और गवर्नमेंट को मेन एक्टर्स माना जाता है इंडस्ट्रियल रिलेशन के लिए। यदि ये चार लोग अपना कंट्रीब्यूशन देंगे तो हम इंडस्ट्रियल रिलेशन को ज़्यादा अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। अब हम जानते हैं ट्रेड यूनियन का क्या योगदान हो सकता है अच्छे इंडस्ट्रियल रिलेशन में। ट्रेड यूनियन का मीनिंग आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि जो वर्कर होते हैं उन्हें वीक माना जाता है नेगोशिएशन में, वो अच्छे से नेगोशिएशन नहीं कर सकते, इसलिए उन्हें स्ट्रॉन्ग ट्रेड यूनियन की ज़रूरत पड़ती है। ट्रेड यूनियन का मतलब है वर्कर का ग्रुप है जिसका उन्होंने रजिस्ट्रेशन करा लिया इंडियन ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 में। और जब भी मैनेजमेंट से डिस्कशन की बात आती है तो वर्कर्स के बिहाफ पर ट्रेड यूनियन डिस्कशन करता है। ट्रेड यूनियन के अंदर वर्कर का ग्रुप ही इंक्लूडेड है, वर्कर्स ने ही मैनेजर या फिर हेड वगैरह को अपॉइंट किया है, और ट्रेड यूनियन वर्कर के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में डिस्कशन करता है वेजेस के बारे में, हेल्थ, सेफ्टी, वेलफेयर, सोशल सिक्योरिटी और अच्छी वर्किंग कंडीशन के बारे में। अब ये जो ट्रेड यूनियन और मैनेजमेंट डिस्कशन कर रहे हैं, इनको हम कह सकते हैं कलेक्टिव बार्गेनिंग। और हम ये भी कह सकते हैं कि जो हमारा लेबर कॉन्ट्रैक्ट है, जो हमारा लेबर कॉन्ट्रैक्ट है फाइनली जो बना, वो किसका रिजल्ट है? कलेक्टिव बार्गेनिंग का ही रिजल्ट है। जब मैनेजमेंट और ट्रेड यूनियन एग्री हो गई तभी कॉन्ट्रैक्ट फाइनल हो पाएगा। हमारा क्वेश्चन है नेगोशिएशन ऑफ लेबर कॉन्ट्रैक्ट बाय यूनियन एंड मैनेजमेंट इज रेफर्ड टू एज। लेकिन यहाँ पर ये पूछ क्या रहा है? देखो, मेन चीज़ ये पूछ रहा है कि उस नेगोशिएशन को क्या कहेंगे जो यूनियन और मैनेजमेंट के बीच में होती है लेबर कॉन्ट्रैक्ट के लिए। तो आपको पता है कि उसे हम कहेंगे कलेक्टिव बार्गेनिंग। तो डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द मेजर एक्टर्स ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन फ्रॉम द फॉलोइंग्स। इंडस्ट्रियल रिलेशन के मेन एक्टर्स कौन कौन से हैं? एम्प्लॉइज, यूनियन, गवर्नमेंट, ऑल द अबो। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑल द अबो। अब हमको इंडस्ट्रियल रिलेशन की कुछ अप्रोचेज पढ़नी है। टोटल 11 अप्रोच हम पढ़ने वाले हैं। हम कौन कौन सी अप्रोच डिस्कस करने वाले हैं? यूनिटरी अप्रोच, प्लुरलिस्टिक अप्रोच, मार्क्सिस्ट अप्रोच सिस्टम, ऑक्सफोर्ड सोशियोलॉजी, सोशियो एथिकल, ह्यूमन रिलेशन, गांधियन साइकोलॉजिकल और गिरी अप्रोच। कहने का मतलब टोटल 11 अप्रोच हमें पढ़नी है। दो चीज़ें होती है, एक होती है इंडस्ट्रियल रिलेशन की अप्रोच और एक होती है लेबर वेलफेयर की अप्रोच। दोनों सेपरेट सेपरेट टॉपिक हैं। इस वीडियो में हम केवल इंडस्ट्रियल रिलेशन की अप्रोच डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारी अप्रोच है यूनिटरी अप्रोच।
यूनिटेरी के नाम से ही लग रहा है, यूनिट का मतलब इकाई। तो ये अप्रोच क्या कहती है, ये अप्रोच कहती है कि डिसीजन मेकिंग पावर केवल और केवल मैनेजमेंट के पास में होती है। कहने का मतलब वर्कर के पास कोई भी अथॉरिटी नहीं होती और वर्कर के पास कोई भी अथॉरिटी नहीं होनी चाहिए, अथॉरिटी केवल और केवल मैनेजमेंट के पास में होती है। किसी गवर्नमेंट इंटरवेंशन की ज़रूरत नहीं है, किसी ट्रिब्यूनल की ज़रूरत नहीं है और किसी भी ट्रेड यूनियन की ज़रूरत नहीं है कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए। एक छोटी सी बात आप मुझे बता दीजिए कि ट्रिब्यूनल में और कोर्ट में क्या डिफरेंस होता है। देखो, कोर्ट होते हैं जनरल और जब कोई स्पेसिफिक कोर्ट बनाया जाता है तो उसे ट्रिब्यूनल कहते हैं। जैसे कंपनी के लिए नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल NCLT। तो ये अप्रोच ये कहती है कि जो भी रिजोल्यूशन करना होगा, कॉन्फ्लिक्ट को दूर करना होगा, वो मैनेजमेंट करेगा। किसी ट्रेड यूनियन, गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए कानून, किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ये कहते हैं कि कुछ कॉमन वैल्यूज होती है और कुछ कॉमन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जिनके लिए मैनेजमेंट और वर्कर मिलजुल कर काम करते हैं। मैनेजमेंट को अपनी अथॉरिटी को एक्सरसाइज करना चाहिए कॉमन गुड के लिए, न कि केवल अपने फ़ायदे के लिए। तो कल को यदि कोई भी डिस्प्यूट हुआ तो ये अप्रोच बस ये बोलकर छोड़ देती है कि मैनेजमेंट को बढ़िया डिसीजन लेना चाहिए और मैनेजमेंट को अच्छे से काम करना चाहिए। यूनिटरी अप्रोच के मानने वालों की भी दो डिफरेंट ओपिनियन है। कहने का मतलब दो प्रकार के पक्ष है। कुछ लोग ये मानते हैं कि जो इंडस्ट्रियल कॉन्फ्लिक्ट हुआ वो वर्कर की वजह से ही हुआ और ये अबनॉर्मल है, तो मैनेजमेंट को कोशिश करनी चाहिए ज़बरदस्ती इसको दबाने की, किसी भी तरीके से वर्कर को डिसिप्लिनरी एक्शन में लेकर आओ और उस डिस्प्यूट को आप दबा दो। जबकि जो सेकंड प्रोस्पेक्टिव है, जो कि मॉडर्न है, वो ये कहते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट होना स्वाभाविक है और मैनेजमेंट को सुप्रेस नहीं करना चाहिए, दबाव नहीं बनाना चाहिए, शोषण नहीं करना चाहिए, बल्कि बेटर प्लानिंग करनी चाहिए और बेटर मैनेजमेंट करना चाहिए जिससे कॉन्फ्लिक्ट को दूर करना चाहिए। तो साफ बात है कि जो पहला अप्रोच है वो नेगेटिव है और सेकंड अप्रोच पॉजिटिव है। तो ये हमारी पहली अप्रोच कंप्लीट हो चुकी है, क्वेश्चन दैट द अथॉरिटी रेस्ट सोलेली विद द मैनेजमेंट विद नो राइट टू एनीवन टू चैलेंज इज द बेसिस ऑफ द। ये क्वेश्चन देखते वक्त आप लोग दिमाग लगाना, ये मत सोचना कि जो अप्रोच हमने पढ़ी है अभी वही आंसर आएगा। यदि आप ये सोचेंगे तो आपके काफ़ी सारे क्वेश्चन गलत होने वाले हैं। तो ये बोल रहे हैं वो कौन सी अप्रोच है जिसमें अथॉरिटी केवल मैनेजमेंट के पास में होती है और कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता, तो यूनिटरी अप्रोच हमारा आंसर हो जाएगा। सेकंड हमारी अप्रोच है प्लूरलिस्टिक अप्रोच। नाम से ही लग रहा है, प्लूरल का मतलब होता है बहुलवादी। जैसे सिंगुलर होता है और प्लूरल होता है, हिंदी में बहुवचन कहते हैं, उसी से बनी हुई हमारी अप्रोच है प्लूरलिस्टिक अप्रोच। तो यूनिटरी के ऑपोजिट हो जाएगी ये अप्रोच। ये क्या कहती है कि कॉन्फ्लिक्ट का होना स्वाभाविक है, कॉन्फ्लिक्ट तो होगा ही होगा। आपको पता है कि घर में भी दो बर्तन होते हैं तो उनके भी खड़कने की आवाज़ आएगी, यहाँ पर तो इंडस्ट्री में इतने सारे लोग हैं तो कॉन्फ्लिक्ट तो होगा ही। और ये अप्रोच ये कहती है कि कॉन्फ्लिक्ट होना भी चाहिए, यदि कहीं पर भी दो समझदार लोग होते हैं तभी कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है और यूनियन की ज़रूरत होती है। जबकि यूनिटरी अप्रोच ये कहती है कि यूनियन की कोई भी ज़रूरत नहीं है, जबकि प्लूरलिस्टिक अप्रोच ये कहती है कि स्ट्रॉन्ग ट्रेड यूनियन होनी चाहिए। यूनिटरी अप्रोच ये कहती थी कि अथॉरिटी केवल मैनेजमेंट के पास में होती है, जबकि इन्होंने बोला अथॉरिटी में बैलेंस होना चाहिए, मैनेजमेंट के पास भी अथॉरिटी होती है और वर्कर के पास भी अथॉरिटी होनी चाहिए। न केवल ट्रेड यूनियन का योगदान होगा बल्कि गवर्नमेंट को भी इंटरवेन करना चाहिए। जैसे हमने पिछले वीडियो में विभिन्न लेबर लॉज डिस्कस किए थे तो हमने देखा था कि गवर्नमेंट किस तरीके से इंटरवेन करती है बेटर इंडस्ट्रियल रिलेशन के लिए। इस अप्रोच का फोकस क्या है कि हम कॉन्फ्लिक्ट को दूर कर सकें। क्वेश्चन हम देखते हैं, अकॉर्डिंग टू द अप्रोच ऑफ द इंडस्ट्रियल रिलेशन इट इज़ द
प्रेरेगेटिव, प्रेरेगेटिव का मतलब होता है विशेषाधिकार ऑफ द मैनेजमेंट टू मेक डिसीजन रिगार्डिंग हाउ एन एंटरप्राइज इज टू रन एंड हाउ द एम्प्लॉइज आर टू बी डील्ड विद। तो ये बोल रहे हैं कि वो कौन सी अप्रोच है जिसमें केवल मैनेजमेंट के पास विशेषाधिकार होता है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन को कैसे चलाना है और एम्प्लॉइज के साथ कैसे पेश आना है। तो यहाँ पर भी हमारा आंसर हो जाएगा यूनिटेरी अप्रोच। यदि आप ये सोचकर चलेंगे कि जो हमने टॉपिक पढ़ा वही आंसर आएगा तो आप एग्जाम में क्वेश्चन कैसे कर पाएंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन इंडस्ट्रियल रिलेशन। हमें पता है कि गवर्नमेंट अपनी कोशिश करती है बेटर इंडस्ट्रियल रिलेशन के लिए। तो ये बोल रहा है इन चार में से कौन सा गवर्नमेंट इंटरवेंशन का तरीका नहीं है। मतलब तीन तरीके तो गवर्नमेंट इंटरवेंशन के है, जो तरीका नहीं है वो हमें बताना है। एश्योरेंस ऑफ डिसेंट वर्किंग कंडीशन, गवर्नमेंट कुछ रूल्स रेगुलेशन कानून बना देती है कि बढ़िया वर्किंग कंडीशन देनी पड़ेगी। सेकंड बात प्रोविज़न ऑफ इनकम सिक्योरिटी, गवर्नमेंट कुछ कानून बना देती है कि कम से कम इतना पेमेंट तो करना ही पड़ेगा। फैसिलिटेटिंग सोशल डायलॉग, गवर्नमेंट कोशिश करती है कि बेटर तरीके से कम्युनिकेशन हो पाए। प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड लेबर, गवर्नमेंट चाइल्ड लेबर को प्रोटेक्ट करती है कि हानिकारक चीज़ों में काम नहीं करेगा चाइल्ड लेबर। तो हमारा सी वाला रॉन्ग है। फर्स्ट वाले के लिए हमें पता है कि फैक्ट्रीज एक्ट में प्रोविजन किए गए हैं बेटर वर्किंग कंडीशन के लिए, चाइल्ड लेबर को रोकने के लिए। न केवल हमारा फैक्ट्री एक्ट बल्कि चाइल्ड लेबर के लिए अलग से एक्ट भी है। इनकम सिक्योरिटी के लिए पेमेंट ऑफ मिनिमम वेजेज एक्ट है हमारा। लेकिन बेटर कम्युनिकेशन को डेवलप करना गवर्नमेंट को का इंटरवेंशन नहीं माना जाएगा। सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा अप्रोच है सेकंड अप्रोच, या फिर कहना चाहिए थर्ड अप्रोच, लेकिन नंबरिंग यहाँ पर गलत हो चुकी है। तो ये हमारी तीसरी अप्रोच है मार्क्सिस्ट अप्रोच, और आपको नाम से ही पता चल चुका है कि अप्रोच किसने दी थी, कार्ल मार्क्स ने ये अप्रोच दी थी। काफ़ी इम्पोर्टेंट नाम इनका सोशल इकोनॉमी में, और इसी अप्रोच को रेडिकल अप्रोच भी कहा जाता है। ये अप्रोच क्या कहती है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट अप्रोच है। ये अप्रोच भी यही कहती है कि कॉन्फ्लिक्ट का होना स्वाभाविक है, और हमारी प्लुरलिस्टिक अप्रोच भी यही कहती थी। लेकिन दोनों में क्या डिफरेंस है, प्लुरलिस्टिक अप्रोच ये कहती थी कि सभी इकोनॉमी में इंडस्ट्रियल कॉन्फ्लिक्ट होता है, जबकि मार्क्सिस्ट अप्रोच ये कहती है कि केवल कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में ही कॉन्फ्लिक्ट होता है। यदि सोशल इकोनॉमी होगी तो कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। ये जो कार्ल मार्क्स हैं, इन्होंने सोशलिस्ट इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया। इन्होंने ये बोला हर चीज़ में सोशलिस्ट इकोनॉमी अप्लाई की जानी चाहिए। तो इन्होंने ये बोला कि जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है वहीं पर ही कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है। अगली बात, इन्होंने ये माना कि जो ट्रेड यूनियन होती है वो बहुत ज़्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कार्ल मार्क्स ने बहुत ज़्यादा क्रांति ला दी थी फ्रांस के अंदर, और इन्होंने ये माना कि विरोध तो होना ही चाहिए, हड़ताल तो होनी चाहिए। तो जो भी लेबर यूनियन होती है वो कार्ल मार्क्स को अपना नेता मानते हैं। आजकल वैसे पूरे वर्ल्ड में अलग माहौल चल रहा है। जो भी क्रांतिकारी नेता थे, बदलाव की बात करते थे, उनको दबाने की कोशिश की जाती है। तो कार्ल मार्क्स ने ये माना कि ट्रेड यूनियन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्रेड यूनियन दो काम करती है। सबसे पहली बात तो ये रिएक्शन का काम करती है। रिएक्शन किस चीज़ के लिए, जब कैपिटल एक्सप्लोइटेशन करती है वर्कर का। कैपिटल का मतलब वही एम्प्लॉयर हो गया, कैपिटलिस्ट लोग हो गए। तो जब कैपिटल शोषण करती है मजदूरों का, तब ट्रेड यूनियन आगे आती है। दूसरी बात, जो ट्रेड यूनियन है वो तो एक वेपन है, हथियार है। किस चीज़ के लिए हथियार है, क्रांति के लिए हथियार है। अगली बात, इन्होंने ये माना कि आप ये मत मानो कि ट्रेड यूनियन का काम केवल पैसों से रिलेटेड मामले का सल्टारा करना है। ट्रेड यूनियन का काम केवल ये नहीं है कि हड़ताल वगैरह करके वो आपका पेमेंट भड़वा देंगे, बल्कि ट्रेड यूनियन काम करती है वर्कर की दशा में इम्प्रूवमेंट के लिए, वर्कर की पोजीशन को इम्प्रूव करने का काम करती है। वो जो कैपिटल और लेबर के बीच में खाई है, गैप है, उसको मिटाने का काम करती है।
नेक्स्ट हमारा पॉइंट है जो मार्केस्ट अप्रोच है, उन्होंने ये माना कि जो भी हड़ताल वगैरह होती है वो कुछ भी नहीं, केवल पॉलिटिकल पंगा होता है, जो भी लीडर होता है वो पैसे खा जाते हैं। अगली बात इन्होंने बोला कि कई बार ये जो गवर्नमेंट कानून वगैरह बनाकर काम करती है ये केवल और केवल ढकोसला है और कुछ भी नहीं है। गवर्नमेंट कानून बनाकर मजदूरों की मदद नहीं करती है बल्कि मैनेजमेंट, एम्प्लॉयर, कैपिटलिस्ट की ही मदद करती है। तो गवर्नमेंट इंटरवेंशन की कुछ भी ज़रूरत नहीं है, मजदूर खुद ट्रेड यूनियन बनाएंगे, खुद लड़ेंगे और खुद अपना हक लेकर रहेंगे, ये इन्होंने कार्ल मार्क्स ने कहा। वैसे मैं इस बात से एग्री नहीं करता कि जो स्टेट इंटरवेंशन है वो केवल मैनेजमेंट के सपोर्ट के लिए होता है, वो तो डिपेंड करता है कि आपकी सरकार कैसी है, शास्त्री जी वाली सरकार है या फिर कैपिटल को प्रमोट करने वाली सरकार है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रियल रिलेशन अप्रोच बिलीव्स इन स्टेट इंटरवेंशन वाया लेगिस्लेशन एंड द क्रिएशन ऑफ इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल एज सपोर्टिंग मैनेजमेंट्स इंटरेस्ट रेदर देन एंश्योरिंग ए बैलेंस बिटवीन द कंपीटिंग ग्रुप। वो कौन सी अप्रोच है जिसने ये माना कि गवर्नमेंट के द्वारा कानून और ट्रिब्यूनल बनाकर इंटरवेंशन किया जाना मैनेजमेंट का सपोर्ट है न कि बैलेंस बनाना। तो कौन सी अप्रोच ने माना, मार्केस्ट अप्रोच ने ऐसा माना। एक पॉइंट आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बता देना है, ट्रिब्यूनल का मीनिंग आप लोगों को बता देना है। स्टूडेंट एक बात मैं आप लोगों को वेरी इंपॉर्टेंट बताना चाहता हूँ, सबसे पहली बात आप लोग अपनी पोजीशन का इवैल्यूएशन कर लेना। तीन कैटेगरी में मानकर चल रहा हूँ स्टूडेंट की, लेवल वन, लेवल टू और लेवल थ्री। आप लोग यहाँ पर स्किप मत करना, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने वाला हूँ, केवल दो मिनट में आप लोगों के खराब करूँगा। लेवल वन का मतलब स्टूडेंट का लेवल काफ़ी अच्छा है और उनकी जॉब लगने ही वाली है यदि वो चार पाँच महीने अच्छे से पाँच पाँच घंटे तैयारी कर लेते हैं। आप बोलोगे कि लेवल वन अच्छा होने पर भी पाँच महीने बाद, बिल्कुल पाँच महीने आपको तैयारी करनी पड़ेगी, वो भी डेली पाँच घंटे। लेवल टू वो स्टूडेंट हैं जिनको लगभग एक से सवा साल तैयारी की ज़रूरत है, और लेवल थ्री वो स्टूडेंट हैं जिनकी पोजीशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, बीस में से तीन चार क्वेश्चन ही सही हो पाते हैं और वीडियो देखने के बाद में भी 11 से ज़्यादा क्वेश्चन ही सही हो पाते हैं, वो लेवल थ्री के अंदर आ रहे हैं। स्टूडेंट आपको घबराना नहीं है, अपनी पोजीशन को कंटिन्यूसली इंप्रूव करते जाना है। यदि आप एक महीने से मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो आप केवल और केवल एक काम करना, खुद को कंपेयर कर लेना एक महीने पहले से। यदि आपको लगता है कि आपकी नॉलेज बढ़ी है तो आप बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हैं, और दूसरे से कभी भी कंपेयर मत करना। तीसरे लेवल वाले यदि लेवल वन से कंपेयर करेंगे अपना कॉन्फिडेंस डाउन करेंगे। केवल खुद से कंपेयर करना, यदि 15 दिन बाद में आपको लगता है कि 15 दिन पहले से मेरी नॉलेज बढ़ चुकी है, आप बिल्कुल सही रास्ते पर है। मैं गारंटी देता हूं आपका लेवल अगर जीरो भी है, बिल्कुल डबल जीरो यदि आपका लेवल है, तो दो साल के अंदर अंदर मैं आपकी गवर्नमेंट जॉब, बहुत बढ़िया गवर्नमेंट जॉब लगवा दूंगा। और जिन लोगों का लेवल वन है उन लोगों की पांच महीने में गवर्नमेंट जॉब, लेवल टू में है उन लोगों की वन ईयर में, और बिल्कुल जीरो लेवल है तो दो साल में। लेकिन एग्जाम होना चाहिए, एग्जाम ही नहीं हो तो बात अलग है। और यदि कोई टीचर या फिर खुद ही आपने ऐसा विश्वास बना रखा है कि मेरे को तो जॉब दो महीने में ही लेनी है, तो मेरा एक डायलॉग जरूर याद रखना, शॉर्टकट सबसे लंबा रास्ता है। शॉर्टकट के चक्कर में लोग दो तीन अटेम्प्ट खराब कर लेते हैं, दो तीन अटेम्प्ट का मतलब है डेढ़ दो साल। यदि आप लॉन्ग कट पकड़ कर चलते, छः महीने खुद को देते, फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका क्लियर था। लॉन्ग कट में बिलीव करना सबसे छोटा रास्ता है। सिस्टम अप्रोच के बारे में हम पढ़ते हैं। सिस्टम अप्रोच में देखो क्या होते हैं, सबसे पहली बात ये अप्रोच दी किसने थी, ये अप्रोच दी थी
जॉन डेनलॉप ने कम्युनिटी टैब में मैंने क्वेश्चन पूछा था, 80% स्टूडेंट गलत आंसर इसका बता रहे हैं। स्टूडेंट यदि आप एक काम नहीं करेंगे कभी आपका एग्जाम क्लियर नहीं होगा, चाहे आप अच्छा मानो चाहे बुरा मानो, चाहे आप चैनल को सब्सक्राइब करो चाहे अभी के अभी अनसब्सक्राइब करो। यदि आप तैयारी कर रहे हो किसी भी एग्जाम की और उससे रिलेटेड आपके सामने कोई क्वेश्चन आता है, आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो और कम्युनिटी टैब में क्वेश्चन देने के बाद आपके सामने ये क्वेश्चन आया और आप तुक्का लगा रहे हो, भूल जाओ, साफ बोल रहा हूं आपका एग्जाम क्लियर नहीं होगा। आपको करना ये चाहिए था, आपको क्वेश्चन नहीं आता, आप गूगल पर बोलकर सर्च कर सकते थे हु गिवन द सिस्टम अप्रोच, आपको मैक्सिमम 40 सेकंड मिलती है, आंसर मिल जाता, फिर आप टिक करते, आपको कम से कम एक क्वेश्चन याद हो जाता। लेकिन आप लोगों को तुक्का मारना है, अभी अगर मिर्जापुर 2 का ट्रेलर आ जाए आप 4 मिनट दे देंगे लेकिन क्वेश्चन के लिए टाइम नहीं दे सकते। पढ़ाई में आपको इंटरेस्ट नहीं है, दुनिया की कोई ताकत आपको पास नहीं करा सकती। कितना भी बढ़िया टीचर ढूंढ लेना, कितनी भी बढ़िया बुक ढूंढ लेना और कितने भी पूजा पाठ कर लेना, कितनी भी नमाज पढ़ लेना, कुछ नहीं होगा। जब तक आपका एटीट्यूड नहीं बदलेगा एप्टीट्यूड कुछ काम में नहीं आएगा। तो सिस्टम अप्रोच किसने दी है, वैसे एक बात मैं विश्वास करता हूँ, वो जो 20% करेक्ट आंसर दिए थे वो लोग हैं जो वीडियो कंटिन्यूसली देखते हैं। तो ये अप्रोच किसने दी थी, जॉन डनलॉप ने दी थी, 1958 में दी थी। यदि क्वेश्चन में 1958 के लगभग का ईयर दें तो भी आपको करेक्ट आंसर कर देना है। बुक थी इनकी इंडस्ट्रियल रिलेशन सिस्टम, बुक का नाम आपको याद रखना है। इन्होंने बोला कि तीन चीज़ें होती है, एक तो होता है एक्टर्स, एक होता है कंटेक्स्ट, एक होता है आइडियोलॉजी। कंटेक्ट एक्टर्स में ये तीन चीज़ें आती है, मैनेजमेंट, वर्कर और गवर्नमेंट, ट्रेड यूनियन वर्कर के अंदर ही आ जाएगा। तो ये जो तीनों एक्टर हैं ये काम करते हैं कंटेक्स्ट के अंदर। कंटेक्स्ट का मतलब एनवायरनमेंट हो गया। तो ये तीनों एक्टर किसी एनवायरनमेंट के अंदर काम करते हैं और फिर इनकी अलग अलग आइडियोलॉजी होती है, अलग अलग साइकोलॉजी होती है जिनके कारण कॉन्फ्लिक्ट अराइज होते हैं। तो यदि हम इन चीज़ों की स्टडी करेंगे तो हम कॉन्फ्लिक्ट को अच्छे से रिजॉल्व कर सकते हैं। स्टूडेंट यदि आप बेस्ट में यकीन करेंगे तो आपका एग्जाम बिल्कुल इजीली क्लियर हो जाएगा। बेस्ट में यकीन करना और चीज़ों को डेप्थ में पढ़ना, शॉर्टकट रास्तों पर मत चलना, और शॉर्टकट रास्तों पर भी चलना चाहें तो इस तरीके से चलना कि लॉन्ग कट में आपको फायदा हो सके। जैसे आपका 2 महीने बाद में एग्जाम है, आपको लगता है कि डिटेल में पढ़ने के लिए तो 5 महीने चाहिए लेकिन हमारे पास 2 ही महीने हैं, तो इस तरीके से नोट्स बनाना कि आपका अगर एग्जाम रह भी जाए, निकल जाए बहुत बढ़िया, अगर रह भी जाए आप फिर से एग्जाम दो तो उस 2 महीने वाले मैटर को 15 दिन के अंदर कवर कर सको और उसके बाद जो आपके पास 4.5 महीने बचे उसके अंदर नया मैटर पढ़ सको। स्टूडेंट हर बार एग्जाम देता है और सेम मैटर पढ़कर जाते हैं, मेरे को समझ में नहीं आता पिछली बार वाले नोट्स गए कहां पर। देखो हमारा क्वेश्चन था कि सिस्टम अप्रोच किसने दिया, जॉन डनलॉप ने दिया। नेक्स्ट हमारी अप्रोच है ऑक्सफोर्ड अप्रोच। ऑक्सफोर्ड अप्रोच सबसे पहली बात दी किसने, ऑक्सफोर्ड अप्रोच को दिया फ्लिंडर्स ने, ये ऑथर का नाम है जो आपको याद रखना है। ये अप्रोच क्या कहती है कि इंडस्ट्रियल रिलेशन का मीनिंग क्या होता है। इंडस्ट्रियल रिलेशन का मतलब है स्टडी करना, किसकी स्टडी करना, इंस्टीट्यूशंस की स्टडी करना। इंस्टीट्यूशंस का मतलब वो सभी चीज़ें जो इंडस्ट्रियल रिलेशन को प्रभावित करती है। तो इंडस्ट्रियल रिलेशन क्या है, स्टडी है, किस चीज़ की स्टडी है, इंस्टीट्यूशंस की। इंस्टीट्यूशंस का मतलब वो सभी चीज़ें जो इंडस्ट्रियल रिलेशन को अफेक्ट करती है। इंस्टीट्यूशन में 2 चीज़ें आती है, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल के अंदर कोर्ट्स आएगा, कोर्ट्स का मतलब लेबर लॉ है। एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बता देता हूँ, बहुत ज़्यादा भारी चेंज आने वाला है लेबर लॉ में। गवर्नमेंट कोशिश कर रही है जितने भी लेबर लॉ है, लगभग 70-80 के लगभग जितने भी लेबर लॉ है सभी को ख़त्म करके केवल 4 लेबर लॉ बनाने की गवर्नमेंट पूरी प्लानिंग में है और उन 4 में से 1 लेबर कोड को अप्लाई भी किया जा चुका है।
एक लेबर कोड को अप्लाई करने का मतलब है गवर्नमेंट ने 70-80 में से 8-10 लेबर लोगों को डायरेक्टली उड़ा दिया है। मैं बात कर रहा हूँ सेंट्रल एक्ट की। तो एक वीडियो आएगा, टाइम लगेगा लेकिन वीडियो आएगा, और वहां पर मैं आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा। तो ये मैंने बताया कि इस कॉन्सेप्ट के अंदर होता क्या है कि दो प्रकार के इंस्टीट्यूशन है, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल के अंदर लॉ आ गया, जो भी वेज स्ट्रक्चर है वो आ जाएगा, ग्रीवेंस रिड्रेसल प्रोसीजर आ जाएगा, और एक्सटर्नल के अंदर ट्रेड यूनियन जो भी नेगोशिएशन करती है मैनेजमेंट के साथ वो सभी चीज़ें आ जाएगी। तो फिर ऑक्सफोर्ड अप्रोच ने ही बताया, इन्होंने ये फॉर्मूला दिया हमें, R इज इक्वल टू एफ बी या फिर एफ सी। चाहे आप एफ बी कहो चाहे एफ सी कहो, एक ही बात है, क्योंकि B और C का मतलब है कलेक्टिव बार्गेनिंग और R का मतलब है रूल्स। तो इस फॉर्मूले का मीनिंग ये निकला, फॉर्मूले को यदि हम थ्योरी में बोलें तो इसका मतलब है रिजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इज द फंक्शन ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग। शॉर्ट में कहें तो कॉन्फ्लिक्ट का रिजोल्यूशन कैसे होगा, कलेक्टिव बार्गेनिंग से होगा। अगली हमारी अप्रोच है इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी अप्रोच। बिल्कुल नाम से ही पता चल रहा है, सोशियोलॉजी अप्रोच, नाम से क्या पता चल रहा है। देखो ये अप्रोच ये कहती है कि जो हमारी इंडस्ट्री है, जो हमारी इंडस्ट्री है उस वो किसका पार्ट है, सोसाइटी का ही तो पार्ट है। सोसाइटी तो एक ब्रॉड लेवल की चीज़ हो गई और उसी का पार्ट है इंडस्ट्री, और सोसाइटी के अंदर जो हमारी इंडस्ट्री है उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट लोग हैं जिनका फैमिली बैकग्राउंड अलग अलग है, एजुकेशनल लेवल अलग अलग है, पर्सनैलिटी अलग अलग है, इमोशंस अलग अलग है, लाइक डिसलाइक सभी चीज़ें अलग अलग है। इसके कारण हमारे अंदर डिफरेंसेज ऑफ ओपिनियन हो जाती है। जैसे हमारा चैनल है और 1700 के लगभग मेंबर है, तो सभी के अप्रोच अलग अलग है, सभी लोगों के बिलीव्स अलग अलग है, इसके कारण डिफरेंसेज ऑफ ओपिनियन होते हैं। ये अप्रोच मेनली रिजोल्यूशन पर फोकस नहीं करती है कि कॉन्फ्लिक्ट को दूर कैसे करें, यह अप्रोच फोकस करती है रीजन पता लगाने पर कि कॉन्फ्लिक्ट हो ही क्यों रहे। तो जैसा कि आप इस अप्रोच से समझें कि कॉन्फ्लिक्ट का रीजन है डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड होना, डिफरेंट डिफरेंट लोगों के ग्रुप होना। आगे ये अप्रोच क्या कहती है कि वैल्यू सिस्टम अलग अलग होते हैं, लोगों के रीति रिवाज अलग अलग होते हैं, स्टेटस अलग अलग होते हैं, सोसाइटी में अलग अलग इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो लोगों को अफेक्ट करते हैं। इसके अलावा इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया कि वर्कर की अलग अलग समस्याएं होती है। क्या क्या समस्याएं होती है, अर्बनाइजेशन होता है, शहरीकरण के कारण मकान नहीं मिलता लोगों को, डेढ़ डेढ़ लाख रुपए एडवांस जमा कराना पड़ता है किराए पर मकान लेने के लिए, हाउसिंग और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज नहीं होती है। इसके अलावा जो जॉइंट फैमिली सिस्टम है उसके साथ लोग नहीं जुड़ पाते हैं। इसके अलावा बहुत सारी सोशल प्रॉब्लम होती है वर्कर की, जिसके कारण वर्कर स्ट्रेस में चला जाता है, और वर्कर स्ट्रेस में जाएगा घर से झगड़ा करके आएगा तो वो अपने ऑर्गेनाइजेशन में भी अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। ये कहता है यदि सोसाइटी के अंदर अराजकता फैली हुई है तो इंडस्ट्री के अंदर कभी भी शांति आई नहीं सकती। ये जो 2020 वाला साल है इसके अंदर इतनी ज्यादा अराजकता फैली हुई है। पहले हमने NRC CAA देखा, उसके बाद हमने कोरोना देखा, और अभी जो इतनी सारी खबरें आई हमारे बॉलीवुड एक्टर्स के बारे में, तो कहने का मतलब इतनी सारी निराशा जहां पर फैली हुई है तो इंडस्ट्री के अंदर कुछ भी अच्छा होना पॉसिबल ही नहीं है। तो आई होप आप समझ चुके होंगे सोशियोलॉजी अप्रोच के अंदर। इसके अंदर दो मेन पॉइंट आप याद रखना, पहली बात ये कि ये अप्रोच इन्वेस्टिगेशन पर फोकस करती है न कि रिजोल्यूशन पर, और दूसरी बात कॉन्फ्लिक्ट अराइज होने का रीज़न क्या है, क्योंकि सोसाइटी में डिफरेंट डिफरेंट लोग होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट उनका बैकग्राउंड होता है। नेक्स्ट हमारी अप्रोच है सोशल एथिकल अप्रोच। इस अप्रोच को हमें
कंपेयर करना पड़ेगा पिछली वाली अप्रोच से, सोशियोलॉजी अप्रोच से। पिछली वाली तो केवल सोशियोलॉजी थी, लेकिन यहाँ पर सोशियल भी है और एथिकल भी है। कहने का मतलब, इन्होंने माना कि इंडस्ट्रियल रिलेशन केवल सोशियोलॉजिकल बेस पर डिपेंड नहीं करते हैं, बल्कि एथिकल एस्पेक्ट पर भी डिपेंड करते हैं। तो जैसा कि नाम बोलता है वैसा ही अंदर है, दोनों चीज़ों पर इंडस्ट्रियल रिलेशन डिपेंड करते हैं। तो इन्होंने एथिक्स पर ज़्यादा फोकस किया। इन्होंने बोला अच्छे रिलेशन तभी मेंटेन हो पाएंगे जब मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी को समझा जाएगा, और मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी केवल मैनेजमेंट को नहीं समझनी है, वर्कर को भी समझनी है। वर्कर को ये नहीं करना है कि सुपरवाइजर आएगा तभी काम करेंगे, वरना नहीं करेंगे। म्यूचुअल कोऑपरेशन होना चाहिए, ग्रेटेस्ट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। वर्कर समझे मैनेजमेंट को और मैनेजमेंट समझे वर्कर को। जो हमने FW टेलर का प्रिंसिपल पढ़ा था, मेंटल रिवॉल्यूशन, बिल्कुल उसी की बात करते हैं कि दोनों को अपने अपने मेंटल साइकोलॉजी में चेंज लेकर आना चाहिए। वर्कर को ये नहीं सोचना चाहिए मैनेजमेंट हमारा फायदा उठा रहा है, और मैनेजमेंट को ये नहीं सोचना चाहिए कि वर्कर कामचोर होते हैं। अगली हमारी अप्रोच है ह्यूमन रिलेशन अप्रोच, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, या फिर अगर मैं ये कहूँ कि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अप्रोच है इन 11 अप्रोच में से, तो भी गलत नहीं होगा। ह्यूमन रिलेशन अप्रोच सबसे पहली बात दी किसने थी, तीन लोगों ने दी थी, एल्टन मायो, रोथलस बर्जर और वीटी होमांस ने। तीनों नाम आपको याद रखने हैं, लेकिन एल्टन मायो को तो आप लोग रट लेना। मैंने आपको याद करने की एक ट्रिक्स बताई थी। देखो, हमारी भगवत गीता क्या कहती है कि कोई किसी का नहीं है। जो कल तुम्हारा था कल किसी और का होगा, परसों किसी और का होगा। तो जो भी रिश्ते नाते हैं वो सभी झूठे हैं, मोह माया है और कुछ भी नहीं है। तो दो वर्ड आपको याद रखने हैं, एक तो माया और एक रिश्ते नाते संबंध। तो दो चीज़ें याद रखनी है, संबंध से हो जाएगा ह्यूमन रिलेशन, और माया को बना देना मायो। तो कहने का मतलब, ह्यूमन रिलेशन अप्रोच किसने दिया, एल्टन मायो ने दिया, और वैसे तीनों नाम आपको याद रखने हैं। ये अप्रोच क्या कहती है इसके बारे में हम बाद में देखते हैं। सबसे पहली बात, एक क्वेश्चन आएगा हाथोर्न एक्सपेरिमेंट, इसका वैसे अलग से मैं 5 मिनट का एक वीडियो लेकर आऊँगा, लेकिन इतना याद जरूर रख लेना हाथोर्न एक्सपेरिमेंट किसने किए, इन तीनों लोगों ने किए। कहाँ पर किए, वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी में किए, और वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी कहाँ पर थी, शिकागो में थी, शिकागो में भी हाथोर्न वर्क्स में थी। याद आपको ये रखना है, तीनों ऑथर का नाम याद रखना है, हाथोर्न एक्सपेरिमेंट वर्ड याद रखना है, और वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी याद रखना है। जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे, सब्र आपको करना पड़ेगा, शॉर्टकट नहीं है मेरे पास। फिर देखिए, ये अप्रोच क्या कहती है, या फिर इन्होंने जितने भी एक्सपेरिमेंट किए इसमें इन्होंने किस बात पर जोर दिया, इन्होंने देखो जोर दिया ह्यूमन रिलेशन पर जोर दिया। इन्होंने ये बोला कि वर्कर को चाहे आप कितना भी पैसा दे दो, यदि आप वर्कर के साथ इंसान के जैसे पेश नहीं आओगे, ह्यूमन रिलेशन को ध्यान में नहीं रखोगे, तो प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ेगी। तो प्रोडक्टिविटी हमारी कनेक्टेड है सेटिस्फैक्शन पर डिपेंड करती है। इन्होंने किस चीज़ पर जोर दिया, बिहेवियर ऑफ पीपल एट वर्क पर इन्होंने जोर दिया। इन्होंने क्या बोला कि कॉन्फ्लिक्ट को दूर करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है, लोगों को आप इंटेग्रेट करो। इंटेग्रेट करने का मतलब है वर्कर को ये लगना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन उनका भी है, वो भी उसके पार्टनर है। ये फीलिंग क्रिएट करो कि मेरा ऑर्गेनाइजेशन नहीं हमारा ऑर्गेनाइजेशन, मेरा यूट्यूब चैनल नहीं हमारा यूट्यूब चैनल। इन्होंने ये माना कि जो ह्यूमन रिलेशन होते हैं वो मानव प्राणियों से मिलकर बने हैं, और मानव प्राणी को बोलने की स्वतंत्रता चाहिए होती है। यदि आप ह्यूमन रिसोर्सेज को निर्जीव चीज़ें मान लेते हो, आप ये मान लेते हो कि ह्यूमन रिसोर्स तो एक कमोडिटी है, तब जाकर टेंशन अराइज होती है। तो ह्यूमन रिलेशन अप्रोच ने क्या बोला, कॉन्फ्लिक्ट का मेन रीजन क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट का मेन रीजन है ह्यूमन रिसोर्सेज को इनएनिमेट ऑब्जेक्ट मानना, नश्वर मानना, निर्जीव चीज़ें मानना।
और ह्यूमन रिलेशन अप्रोच ने क्या कहा था कि रिजोल्यूशन तब दूर होगा जब पीपल को इंटेग्रेट करेंगे, और इंटेग्रेट करने के लिए आपको लोगों को समझना पड़ेगा, समझने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें लगानी पड़ेगी। कहने का मतलब ये अप्रोच हमारा इंटरडिसिप्लिनरी हो गया। यहाँ पर डिसिप्लिन का मतलब है सब्जेक्ट। इस अप्रोच को लगाने के लिए विभिन्न सब्जेक्ट की नॉलेज हमें होनी चाहिए, साइकोलॉजी होनी चाहिए, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, इन सब चीज़ों की नॉलेज यदि हमें होगी तो इस अप्रोच को हम ज़्यादा बेटर तरीके से लगा सकते हैं। क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट। जो स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है वो आपको ढूंढने हैं, और ऑप्शन में आपने देख लिया है केवल दो ही चीज़ें दे रखी है, तो कहने का मतलब तीन स्टेटमेंट करेक्ट हैं और दो स्टेटमेंट गलत है। ये भी हो सकता है कि इसमें दो से ज़्यादा स्टेटमेंट गलत है, लेकिन आपको दो ही ढूंढने हैं, तो जो बहुत ज़्यादा गलत है, बिल्कुल ही बकवास है, बहुत ज़्यादा गलत है, उन दो स्टेटमेंट को आप लोगों को ढूंढ लेना है। तो पहला हमारा स्टेटमेंट है, पे ऑफ एन एम्प्लॉई इंक्लूड, साथ साथ ही हम देखते जाएंगे कि स्टेटमेंट रॉन्ग है कि राइट है। पे ऑफ एन एम्प्लॉई इंक्लूड एक्चुअल मनी दैट एम्प्लॉई रिसीव्ड इन एक्सचेंज ऑफ हिज वर्क। ये बोल रहे हैं एम्प्लॉई की जो एक्चुअल मनी होती है उसके अंदर वो एक्चुअल पैसा इंक्लूडेड है जो उसे वर्क के बदले में मिला है। एक बार सारे पॉइंट हमें देखने पड़ेंगे क्योंकि पॉइंट थोड़े से कन्फ्यूजन वाले होते हैं। बी वाला है, जॉब इवेल्यूशन प्रोवाइड ए बेसिस फॉर मेजरिंग इंडस्ट्रियल परफॉर्मेंस। ये बोल रहे हैं कि जॉब इवेल्यूशन एक बेस प्रोवाइड कर देता है इंडिविजुअल परफॉर्मेंस का मेजर करने के लिए। ये नहीं कह रहा है कि जॉब इवेल्यूशन इज इक्वल टू परफॉर्मेंस अप्रेजल, ये बोल रहे हैं बस बेस प्रोवाइड करता है। तीसरे में ये बोल रहे हैं ह्यूमन रिलेशन थ्योरी रेस्पेक्ट्स फॉर्मल इंस्टीट्यूशनलाइजेशन। ये बोल रहा है ह्यूमन रिलेशन थ्योरी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन पर जोर देती है, उसको सपोर्ट करती है। डी में बोल रहे हैं मिनिमम वेजेस आर नॉट गारंटेड अंडर इंसेंटिव प्लान। जो भी इंसेंटिव प्लान होते हैं उनमें मिनिमम वेजेस गारंटेड नहीं होती। ई वाले में बोल रहे हैं जॉब एनरिचमेंट अमाउंट्स टू एक्सपेंडिंग वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल डिमेंशंस ऑफ ए जॉब। जो जॉब एनरिचमेंट होता है उसके अंदर वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल डिमेंशन इंक्लूडेड होता है। तो देखिए, सबसे पहली बात तो सी वाला हमारा रॉन्ग है। देखो, ह्यूमन रिलेशन अप्रोच ये नहीं कहता कि आप कुछ फॉर्मल चीज़ें बनाओ। फॉर्मल का मीनिंग मैंने बताया हुआ है रूल्स रेगुलेशन से काम करना, तो ये नहीं कहता कि बिल्कुल रूल्स रेगुलेशन से काम करो। वो बोलते हैं कि ऐसा काम करो जिससे वर्कर को साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन मिले। साफ सी वाला साफ साफ गलत है। डी वाला भी साफ साफ गलत है। इंसेंटिव प्लान का एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो आएगा, इंसेंटिव प्लान वाला टॉपिक न केवल एचआरएम में काम में आएगा बल्कि कॉस्टिंग में जो लेबर वाला चैप्टर है वहां पर काम में आएगा। रोवन प्लान, हालसे प्लान वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो उसमें जो अधिकतर प्लान है वो मिनिमम वेजेज भी देते हैं और बोनस देने का भी तरीका बताते हैं कि वर्कर इतना प्रोडक्शन कर दे तो 20% वेजेज बोनस दे दो, 10% दे दो, तो मिनिमम वेजेज के बारे में अधिकतर बताते हैं। तो कोई ये तो होगा नहीं कि वर्कर की परफॉर्मेंस नहीं है तो मंथ के एंड पर आप हाथ ऊपर कर दो कि भैया कुछ नहीं मिलेगा, तो ये तो होगा ही नहीं। कॉन्सेप्चुअली भी सोचोगे तो भी कर पाओगे। तीसरा वाला भी हमारा गलत है। गलत क्यों है? देखो, दो चीज़ें होती है, एक होता है जॉब एनरिचमेंट और एक होता है जॉब इनलार्जमेंट। जॉब एनरिचमेंट में क्या होता है, एम्प्लॉई को हम कुछ चैलेंजिंग वर्क देते हैं। पहले टीचर 10th क्लास को पढ़ा रहा था, हमारे एक जानकार टीचर है 10th क्लास को पढ़ाते थे लेकिन बहुत ज़्यादा मेहनत करते थे शानदार वाली, तो स्कूल ने उनको 12th के भी बैच देने स्टार्ट कर दिए। ये होता है जॉब एनरिचमेंट कि चैलेंजिंग वर्क दिया गया। और जॉब इनलार्जमेंट में क्या होता है,
पहले आप 10th क्लास को पढ़ा रहे थे, दो सेक्शन थे आपके पास, अब स्कूल ने 8 सेक्शन 8 पीरियड आपको दे दिए 10th क्लास के ही। तो ये जॉब इनलार्जमेंट होता है। जॉब इनलार्जमेंट में हॉरिजॉन्टल लोडिंग होती है। हॉरिजॉन्टल लोडिंग का मतलब उसी लेवल के वर्क दिए जा रहे हैं, जबकि जॉब एनरिचमेंट में ज़्यादा चैलेंजिंग वर्क दिया जा रहा है तो उसके अंदर वर्टिकल लोडिंग होती है। तो आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ चुका है, जॉब एनरिचमेंट और जॉब इनलार्जमेंट वाला। तो ई वाला भी हमारा गलत है, लेकिन हमें दो ही पॉइंट लेने हैं, तो ई वाला हम करेक्ट मान सकते हैं, क्योंकि जॉब इनरिचमेंट को इसने वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों बता दिया है। फिर बी वाला हमारा करेक्ट है। जॉब इवैल्यूएशन से देखो थोड़ा बहुत बेस तो हमें मिलेगा ही। जॉब इवैल्यूएशन का मीनिंग मैंने आपको रटवा रखा है, तो आप एक तो मुझे बताने वाले हो कमेंट बॉक्स में ट्रिब्यूनल का मीनिंग, सेकंड बात आप मुझे बताने वाले हो जॉब इवैल्यूएशन और परफॉर्मेंस अप्रेजल में डिफरेंस बताने वाले हो। लैंग्वेज आपकी हिंदी हो, इंग्लिश हो, टूटी फूटी हो, कैसे भी हो, आप बताने वाले हो। यदि आप नहीं बताओगे तो मैं आपको लेवल 4 कैटेगरी का स्टूडेंट मानता हूँ। लेवल 4 में वो निकृष्टतम कैटेगरी के स्टूडेंट होते हैं, जो बिल्कुल भी मेहनत नहीं करना चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि नॉलेज उनके पास आए, वो नॉलेज के पास नहीं जानना चाहते हैं। मुझे ऐसे स्टूडेंट की बिल्कुल भी रिक्वायरमेंट नहीं है, जो इतनी सी भी मेहनत नहीं करना चाहते हैं। तो बी वाला हमें बेस प्रोवाइड करते हैं। अगर आपको आंसर नहीं आता तो चाहे गूगल कीजिए, चाहे कुछ भी कीजिए, एक बार आप लिख देंगे लाइफ टाइम कभी नहीं भूलेंगे। ए वाला भी हमारा करेक्ट है। ये बोल रहे हैं कि जब हम बात करते हैं किसी एम्प्लॉय को पे मिल रही है, तो उसके अंदर वो पेमेंट तो कम से कम आप इंक्लूड करोगे ही ना, जो एक्चुअल में उसे मिल रहा है। तो हमारा गलत था सी, और डी वाला हमारा गलत था। तो फिर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द प्लुरलिस्टिक अप्रोच ऑफ इंडस्ट्रियल कॉन्फ्लिक्ट इज बेस्ड ऑन विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेसिक अजम्पशन या प्रीमाइस। जो प्लुरलिस्टिक अप्रोच है उसकी इनमें से कौन सी अजम्पशन है। द कॉन्फ्लिक्ट अकर्स व्हेन द टेंडेंसी ऑफ इंडस्ट्रियल सोसाइटी इज टू ट्रीट वर्कर एज एन आइसोलेटेड इंडिविजुअल एंड डिप्राइव हिम ऑल कंट्रोल ओवर हिज एनवायरमेंट। तो ये तो नहीं आएगा, ये आएगा एक तरीके से ह्यूमन रिलेशन अप्रोच में, दैट एन एंटरप्राइज कंटेन्स पीपल कोलिएशन ऑफ डिफरेंट इंटरेस्ट, ये आ सकता है। सी वाला द इंडस्ट्रियल कॉन्फ्लिक्ट इज ए पार्ट ऑफ ब्रॉडर सोशल कॉन्फ्लिक्ट, ये भी नहीं आएगा, सोशियोलॉजिकल में आएगा। दैट नो कंसेंसस इज पॉसिबल इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिकॉज पीपल आर विद डिफरेंट सोशियो कल्चरल बैकग्राउंड, ये भी नहीं आएगा। ये सोशियोलॉजिकल का पार्ट मान सकते हो, लेकिन ये सोशियोलॉजिकल में भी नहीं आएगा, वहां पर भी समस्या का समाधान तो हम करते ही थे। तो बी वाला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि आप वीडियो को रिवर्स करके देखेंगे तो प्लुरलिस्टिक अप्रोच में मैंने लिखा हुआ भी था कि लोगों के डिफरेंट इंटरेस्ट होते हैं, इस वजह से कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है। और मैं आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार वाले नोट्स बना रहा हूं, लेकिन मेरे नोट्स बनने में टाइम लगेगा। जो MCQ बुक है वो लगभग 1 हफ्ते में लॉन्च हो जाएगी, और बुक की प्राइस देखो जो भी रहेगी MCQ बुक की, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि लोवेस्ट प्राइस रहेगी हमारी MCQ बुक की। मैं आप लोगों से 100 रुपये से ज़्यादा बुक से नहीं कमाऊँगा, कोशिश करूँगा 100 रुपये से भी कम कमाने की। बुक के अंदर केवल फोटोकॉपी कॉस्ट, जो शिपिंग चार्ज है वो इंक्लूड रहेगा, और मैक्सिमम 100 रुपये मेरी कॉस्ट रहेगी। और जो भी आप पैसा पे करोगे MCQ बुक के लिए, वो पूरा का पूरा पैसा आपको रिफंड मिल जाएगा। पूरा पैसा रिफंड मिलने का मतलब मैं आपके अकाउंट में पैसे वापस नहीं भेजूंगा, मैं आपको जितने रुपए की बुक है उससे 4 गुना ज़्यादा की बेनिफिट प्रोवाइड कराऊंगा। 4 गुना ज़्यादा की बेनिफिट कैसे प्रोवाइड कराऊंगा, जो MCQ बुक परचेज करेगा उसे मैं मेरे वीडियो के
कुछ पीडीएफ्स प्रोवाइड कराएंगे। जैसे ये वाला हमारा चैप्टर है, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया नोट्स मैंने बनाए हैं खुद, उनके पीडीएफ उन स्टूडेंट को मिलेंगे। एमसीक्यू परचेज करने पर पेपर वन का भी बहुत सारा मैटर मिलेगा। तो इस तरीके से मैं उन स्टूडेंट का जो इफ़ेक्टिव कॉस्ट है वो ज़ीरो कर दूंगा। नेक्स्ट हमारा अप्रोच है गांधीयन अप्रोच। ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये अप्रोच किसने दिया। तो गांधी जी के जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स थे, सत्य बोलना, अहिंसा और अप्रिग्रह, नॉन पजेशन। अप्रिग्रह का मतलब होता है कि दूसरों की चीज़ें अपने पास नहीं रखना, जैसा कि जैन धर्म भी कहता है। तो गांधी जी के जो मेन सिद्धांत थे सत्य, अहिंसा, अप्रिग्रह, उन्हीं पर इन्होंने ये कॉन्सेप्ट बेस किया। तो गांधी जी ने इन फंडामेंटल प्रिंसिपल पर दो अप्रोच निकाले, नॉन कोऑपरेशन और ट्रस्टीशिप अप्रोच। ट्रस्टीशिप वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है और बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि ट्रस्टीशिप का कॉन्सेप्ट किसने दिया, महात्मा जी ने दिया। और ट्रस्टीशिप का कॉन्सेप्ट क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि एक बिजनेसमैन को खुद को ट्रस्टी मानना चाहिए, ट्रस्टी के रूप में काम करना चाहिए। ट्रस्टी के रूप में काम करने का मतलब बिजनेसमैन को ये मानना चाहिए कि वो जो कुछ भी काम में ले रहा है वो सोसाइटी का है। वर्कर भी सोसाइटी के हैं, कंज्यूमर भी सोसाइटी का है, लैंड भी सोसाइटी का है। तो जो मिला है उसको वैसा ही रहने दें, उनका बेनिफिट करें, नुकसान नहीं करें। ये नहीं लैंड का नुकसान कर दिया, पॉल्यूशन फैला दिया, वर्कर के साथ एक्सप्लोइटेशन किया, तो ये सब नहीं किया जाना चाहिए। महात्मा जी ने ये भी कहा कि हड़ताल वर्कर कर सकते हैं, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से करो और अहिंसात्मक तरीके से करो। जब गांधी जी इंडिया में आए 1915 में, आते ही उन्होंने दो शानदार शॉट खेले। आप लोगों को पता होगा चंपारण आंदोलन या फिर अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, हो सकता है कभी आपने पढ़ा हो। तो वहाँ पर उन्होंने हड़ताल की थी पहली बार, भूख हड़ताल। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके थे। एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, हो सकता है गांधी जी में बहुत सारी कमियां हो, हर इंसान में होती है, लेकिन उनके जो तरीके हैं उनसे बेस्ट तरीका हो ही नहीं सकता। आपके जो भी कॉन्सेप्ट हो, यदि आप एक बुक पढ़ेंगे सत्य के प्रयोग, आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। यदि पढ़नी हो तो मुझे बता देना कि फ्री में कैसे पढ़ें। जब भी आपका टाइम फ्री हो, यदि आप अच्छे ऑथर्स, अच्छी बुक्स पढ़ेंगे, खुद को बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड पाएंगे, इन्हीं चीज़ों के साथ रहेंगे, तभी 1.5-2 साल में एग्जाम निकलेगा। अगली बात, इन्होंने ये बोला कि ये भी नहीं होना चाहिए वर्कर की अनरीजनेबल डिमांड मांगने लग जाए। रीजनेबल आपकी डिमांड होनी चाहिए। कहने का मतलब जो कैपिटल और लेबर है उनके अंदर पीसफुल कोएग्जिस्टेंस होना चाहिए। कैपिटल का मतलब मैनेजमेंट और लेबर का मतलब वर्कर। अगली हमारी अप्रोच है साइकोलॉजिकल अप्रोच। साइकोलॉजिकल अप्रोच क्या कहती है, नाम से ही लग रहा है। साइकोलॉजिकल अप्रोच ये कहती है कि जो भी पार्टिसिपेंट होते हैं, पार्टिसिपेंट यानी एक्टर, और कहने का मतलब दो मेन लोग, एक तो वर्कर और एक मैनेजमेंट, कहने का मतलब कैपिटल और लेबर, उनके परसेप्शन अलग अलग होते हैं, वो लोग अलग अलग सोचते हैं। मैनेजमेंट को लगता है कि वर्कर फ़ायदा उठा रहा है, वर्कर को लगता है कि मैनेजमेंट फ़ायदा उठा रहा है। मैनेजमेंट को लगता है उनकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है, और वर्कर को लगता है कि काम तो हम कर रहे हैं। तो एक हमारे इंपॉर्टेंट ऑथर थे मैसन हैरी, इस वाले कॉन्सेप्ट को बिल्कुल अच्छे से समझना। तो मैसन हैरी हमारे ऑथर थे, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया TAT टेस्ट के थ्रू। TAT टेस्ट के बारे में मैंने आपको बताया था, और वैसे टेस्ट के बारे में एक डिटेल्ड वीडियो आएगा। तो देखो TAT टेस्ट के अंदर क्या होता है, सबसे पहली बात TAT टेस्ट क्यों काम में लिया जाता है, सामने वाले की पर्सनालिटी समझने के लिए काम में लिया जाता है। अगर मुझे ये समझना है सामने वाले की पर्सनालिटी कैसी है, तो फिर TAT टेस्ट काम में लिया जा सकता है। इसके अंदर क्या करते हैं, जिसके बारे में हमें पता करना है उसको कुछ पिक्चर्स दिखाते हैं, 10-15 पिक्चर्स दिखा देते हैं, और कंफ्यूजन वाली पिक्चर दिखाते हैं, उसको बोलते हैं कि इन पिक्चर में आपको क्या नज़र आ रहा है।
और जैसे वो आंसर देता है उसके बेसिस पर हम कॉन्क्लूजन निकाल लेते हैं। तो इन्होंने क्या किया, हमारे मैसन हैरी ने इन्होंने यूनियन लीडर को और मैनेजमेंट और मैनेजर को एक मिडिल एज पर्सन की पिक्चर दिखाई, मैनेजर को भी दिखाई, यूनियन लीडर्स को भी दिखाई, दोनों से पूछा। तो जो यूनियन लीडर थे उन्होंने तो बोला कि ये तो मैनेजर है, शकल से ही खड़ूस लग रहा है, लीडर तो हो ही नहीं सकता। और मैनेजर से पूछा तो उन्होंने बोल रहा कि इतना खड़ूस इंसान तो लीडर ही हो सकता है, मैनेजर तो बहुत बढ़िया होते हैं। कहने का मतलब एक सेम टॉपिक पर लोग अलग अलग सोचते हैं। तो कॉन्क्लूजन क्या निकला, ये अप्रोच ये कहती है कि लोग अलग अलग तरीके से सोचते हैं, इस कारण से कॉन्फ्लिक्ट अराइज होते हैं। यदि हम एक दूसरे की ओपिनियन का सम्मान करेंगे तो कॉन्फ्लिक्ट कम से कम अराइज होंगे। गिरी अप्रोच किसने दिया, वीवी गिरी ने दिया, हमारे भारत के चौथे राष्ट्रपति थे ये। इन्होंने क्या बोला कि देखो कॉन्फ्लिक्ट तो होगा ही होगा जब दो लोग साथ रह रहे हैं, और उस कॉन्फ्लिक्ट को आप वॉलेंट्री आर्बिट्रेशन से सोल्व कर लो, म्यूचुअल नेगोशिएशन से सोल्व कर लो तो ज्यादा बेटर रहेगा। आप कलेक्टिव बार्गेनिंग से सोल्व कर लो, वॉलेंट्री आर्बिट्रेशन से सोल्व कर लो, नहीं तो आप कंपलसरी आर्बिट्रेशन के पास जाओ, नहीं ही कोर्ट के पास जाओ। घर का मामला घर में सुलट जाए तो ज़्यादा बढ़िया है, गांव को इकट्ठा करोगे नुकसान घर का ही होगा, ये अप्रोच ये कहता है। आई होप आपको मेरी बातें बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रही है। स्टूडेंट आप अपनी कीमती ओपिनियन अपनी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो में क्या कमी नज़र आ रही है और हम हमारी क्लासेज को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। मुझे अंधभक्त की ज़रूरत नहीं है जो कमेंट बॉक्स में केवल थैंक यू बोले, बहुत बढ़िया बोले। मैं चाहता हूँ कि मेरी कमियाँ बताई जाए, बस शब्द आप सोच समझ कर और अच्छे इस्तेमाल करना। क्वेश्चन है हमारा मैच द फॉलोइंग। तो लिस्ट वन में हमें दिया गया है सिस्टम अप्रोच, वीवी गिरी अप्रोच, गांधीयन अप्रोच, सोशियल एथिकल अप्रोच। लिस्ट सेकंड के अंदर पीसफुल कोएग्जिस्टेंस ऑफ कैपिटल एंड लेबर डेवलप्ड बाय जॉन डनलॉप, प्रिफरेंस ऑफ वॉलेंट्री आर्बिट्रेशन, एज्यूमिंग मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग ईच अदर। मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन आपसे तभी होंगे जब कम से कम दो पॉइंट आपको आते हों, और कई बार तो दो में भी नहीं हो पाता, तीन आते हों तो क्वेश्चन हो पाएगा। यदि आपको एक का ही आंसर 100% आते हैं तो आपका आंसर एग्जाम में नहीं हो पाएगा। तो अब हम देखते हैं, देखो पीसफुल कोएग्जिस्टेंस सबसे पहले है, सिस्टम अप्रोच, सिस्टम अप्रोच के अंदर टू आ जाएगा, बिल्कुल आसान था। वीवी गिरी के अंदर हमारा आएगा थ्री वाला, बिल्कुल आसान था, वॉलेंट्री आर्बिट्रेशन की बात कर रहे हैं। तीसरा गांधीयन अप्रोच को एक बार यदि हम छोड़ भी दें तो सोशियल एथिकल के अंदर आ जाएगा हमारा मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी वाला, तो फोर आ जाएगा। और गांधी जी वाले में पीसफुल कोएग्जिस्टेंस आ जाएगा, पीस की बात हो रही है, तो वन, तो टू थ्री वन फोर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर हो चुका है। नेक्स्ट हमारा मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन है, लिस्ट वन में गिरी अप्रोच, इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी, गांधीयन ह्यूमन रिलेशन अप्रोच। लिस्ट टू में यूटिलिटी ऑफ नॉन वॉयलेंस एज द मीन्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन। सेकेंड ऑर्गेनाइजेशन आर मेड अप ऑफ पीपल एंड द सक्सेशन सक्सेस ऑफ मैनेजमेंट लाइज इन द डीलिंग विद दीज पीपल। वॉलेंट्री नेगोशिएशन बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयज आर ए मीन्स ऑफ सेटिंग डिस्प्यूट, इन्वेस्टिगेटिंग द अंडरलाइंग ट्रेंड एंड पैटर्न इन द कॉज एंड इफेक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। टॉपिक पढ़ने के बाद में क्वेश्चंस आपको बहुत ज़्यादा आसान लग रहे होंगे, मैं ये मानता हूँ। वीडियो देखने के बाद क्विज सॉल्व करते वक्त 18 या 19 क्वेश्चन 20 में से और 15 में से 14 क्वेश्चन करेक्ट हो जाने चाहिए। यदि आप वीडियो देखने के दो दिन के अंदर क्विज देते हैं तो महीने भर के बाद में देते हैं तो आपके 20 में से 15 क्वेश्चन भी करेक्ट हो रहे हैं, तो बहुत बढ़िया बात है। एक बात आप ध्यान रखना, जो चीज़ें मैं आप लोगों को फ्री में प्रोवाइड करा रहा हूँ वो आपको फ्री में मिलती रहेगी। जो हमारे पेड स्टूडेंट हैं उनके लिए मैं कुछ
एक्स्ट्रा करूंगा, तो आप ये मत सोचना कि हमें कम मिल रहे हैं, आपको जो मिल रहा है वो आपको हमेशा मिलता रहेगा। और पेड कुछ भी नहीं है, केवल और केवल फोटोकॉपी के चार्जेज मैं लूँगा, और जो भी चार्जेज मैं लूँगा मैं गारंटी देता हूँ वो कॉस्ट मैं आपकी बराबर कर दूंगा, उससे ज़्यादा के बेनिफिट आपको मिलेंगे। तो देखो गिरी अप्रोच के अंदर क्या आएगा, बिल्कुल आसान है। गिरी अप्रोच के अंदर 3 हमारा आ जाएगा वॉलेंट्री नेगोशिएशन वाला। इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी के अंदर हमारा क्या आंसर आएगा, 4 आ जाएगा। मैंने बताया था इन्वेस्टिगेशन पर जोर देती है। गांधीयन अप्रोच के अंदर 1 आ जाएगा नॉन वायलेंस वाला। और लास्ट वाला ह्यूमन रिलेशन के अंदर 2 आ जाएगा। क्वेश्चन करते वक्त आप कोशिश किए करो चारों को सॉल्व करने की, ये नहीं चौथे में तो बचा हुआ ही आएगा। कुछ लोग तो अकाउंट्स के अंदर भी ऐसा ही करते हैं कि जर्नल एंट्री कर रहे हैं और बड़ी जर्नल एंट्री है, मिक्स्ड एंट्री है, तो 3 जर्नल एंट्री कर दी, फोर्थ वाले में टोटल लगाकर लिख देते हैं। टोटल नहीं लगाना है, फोर्थ की वैल्यू अलग से कैलकुलेट करोगे तभी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो 3, 4, 1, 2 हमारा करेक्ट आंसर है। जब आप अपना तरीका सही करोगे चीज़ों को करने का, बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा, धीरे धीरे आपको बेनिफिट मिलने स्टार्ट होंगे। द 2 डोमिनेंट एस्पेक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन सीन इन द मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटी आर कवर्ड इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग। ये बोल रहे हैं जो हमारी मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटी है उसके अंदर 2 मेन डोमिनेंट एस्पेक्ट कौन से होते हैं। देखो ऐसे क्वेश्चन का कोई भी इलाज नहीं है, 1% भी इलाज नहीं है ऐसे क्वेश्चन का। आप लोग याद कर लेना बस ऐसे क्वेश्चन को, कॉन्फ्लिक्ट एंड कोऑपरेशन हमारा आंसर आएगा, नहीं तो ये किसी ऑथर ने बताया है, बस फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन मानकर आप याद कर लेना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इन इंडिया ट्रिपार्टाइट बॉडीज ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन बिगिन ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग कमीशन। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहे हैं, देखो ट्रिपार्टाइट बॉडी, ट्रिपार्टाइट बॉडी का मतलब है जो भी हमारे लेबर बोर्ड होते हैं या फिर गवर्नमेंट जो विभिन्न प्रकार की कमेटीज बनाती है लेबर वगैरह के लिए। तो मैंने आपको बताया था कि लेबर बोर्ड में 3 प्रकार के लोग होते हैं, वर्कर के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, मैनेजमेंट के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं और कुछ इंडिपेंडेंट लोग होते हैं। तो ये बोल रहे हैं कि ये जो ट्रिपार्टाइट बॉडी है इसका कॉन्सेप्ट कौन से कमीशन ने दिया था, तो हमारा आंसर आएगा विटले या रॉयल कमीशन, ये हमारा आंसर आएगा। कोठारी कमीशन के बारे में आपको पता होगा, एजुकेशन से रिलेटेड था, तो बी हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। स्टूडेंट यदि आपको कुछ भी चेंज चाहिए वीडियो में, आपको लगता है मेरी स्पीड स्लो है या फिर आवाज़ आपको साफ नहीं दे आती है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिए। और वीडियो यदि आप लाइक नहीं करेंगे, चैनल सब्सक्राइब नहीं करेंगे, वीडियो बनाने में मेरी मेहनत नहीं हो पाएगी, काफ़ी ज़्यादा टाइम लगाकर मैं वीडियो बनाता हूँ, कॉपी पेस्ट करना चीज़ों को बहुत ज़्यादा आसान है, नोट्स में भी टू द पॉइंट मैंने चीज़ें लिखी है, तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो क्वेश्चन है हमारा, हु वॉज क्लोजली कनेक्टेड विद इंडस्ट्रियल रिलेशन इन इंडिया, इंडिया में इंडस्ट्रियल रिलेशन से कौन कनेक्टेड था। तो इन 4 में से आंसर तो हमारा वीवी गिरी साहब ही आएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, हु प्रोपोंडेड द ऑक्सफोर्ड अप्रोच ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन, किसने ये अप्रोच दी, तो फ्लिंडर ने ये अप्रोच दी थी। तो स्टूडेंट आज के लिए बस इतना ही है, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी ओपिनियन बताइए, और जो भी मैंने क्वेश्चन बताए हैं वो क्वेश्चन आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए। अभी के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच।